कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए भारत बायोटेक कंपनी नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष वैक्सीन विकसित कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और वैक्सीन निर्माता कंपनी फ्लूजेन के वायरोलॉजिस्ट ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ कोरोफ्लू नामक इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए परीक्षण शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए भारत बायोटेक ने बताया कि हम कोरोफ्लू वैक्सीन फ्लूजेन कंपनी की फ्लू वैक्सीन M2SR के आधार पर विकसित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फ्लू की M2SR वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के वायरोलॉजिस्ट और वैक्सीन निर्माता कंपनी फ्लूजेन के संस्थापकों ने बनाई थी। इस वैक्सीन के विभिन्न परीक्षणों में 3 से 6 माह तक का वक्त लग सकता है। कंपनी ने आगे बताया कि अमेरिका में अक्टूबर तक इसका मनुष्यों पर परीक्षण होगा। इसके बाद भारत बायोटेक कंपनी भी कुछ परीक्षण करेगी। परीक्षण सफल रहने पर कंपनी 30 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन की खुराक जब शरीर में दाखिल होती है तो वह तत्काल शरीर में फ्लू के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। इस बार योशीहिरो कावाओका ने M2SR दवा के अंदर कोरोना वायरस कोविड-19 का जीन सीक्वेंस मिला दिया है। उल्लेखनीय है कि अभी तक मुकम्मल तौर पर दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने की कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। तमाम दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में लगी हुई है। अमेरिका में भी वैक्सीन अभी परीक्षण के चरण में ही है। माना जा रहा है कि कोरोना की कांट के लिए वैक्सीन आने में लंबा वक्त लगेगा। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी अभी इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ही सुझाव दे रहा है।